यम्मी। जोकर बेबी, अर्जुन का मिल गया वीजा? जीना भेज रही है पेपर्स। ये तो हम पिछले 7 महीनों से सुन रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। लड़कियां फॉरेन से आकर हमारे लड़कों से शादी करती हैं, हनीमून भी, और उसके बाद सब कुछ समेट के फर हो जाती हैं। शट अप बिट्टू, बकवास न कर। मेरी जीना उसे प्यार करती है और उसे जल्दी बुला रही है। कितनी जल्दी? जब तेरा बेटा बन जाएगा सन्यासी। जब बहू को मिल जाएगा कोई मिक्स। अर्जुन, फोन कर जीना को। मॉम, वो इस वक्त ऑफिस में होगी। अभी लगा उसके मोबाइल पे। पर मॉम, मैंने उसे... आई थिंक हमें जाना चाहिए। अच्छा पिंकी। हाँ, उस तरफ आंटी जी। बाय बाय, टेक केयर बेबी। मैंने कह दिया ना, फोन कर जीना को और पूछो कब भेज रही है पेपर्स। मैं तंग आ गई हूं। सारे पड़ोसी और मेरे दोस्त बस यही पूछते रहते हैं, तेरे बेटे का वीजा आ गया? तेरी बहू कब ला रही है उसे अपने पास अमेरिका? ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने सोचा ये सब यहाँ सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। तू दे दे जीना को अल्टीमेटम, फोन कर अभी। मॉम, मैंने फोन किया था, वो नंबर बंद हो चुका है। तो फोन कर उसकी माँ के नंबर पे, या उसके पापा विलियम के नंबर पे, या उसकी माँ के ऑफिस। सब नंबर ट्राई किए और सबका यही जवाब है, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ईमेल कर टू जीना। मैंने किया 3 हफ्ते पहले, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या, मेरी बहू गायब है और तू मुझे अब बता रहा है, टुडे? वैसे ना बड़ी बुरी हुई जी आपके साथ, हैं जी? इतनी अच्छी फैमिली और ये कर गए आपके साथ। पता है क्या, यू शुड कॉन्टैक्ट द रिलेटिव्स। दे हैव नो रिलेटिव्स। कहते थे सिंपल शादी करो, अब समझ में आया क्यों कहते थे। हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे। सारा कुछ ही ले गई, मेरे गले का हार भी जो मेरी सास ने मुझे दिया था। मैं तो लुटी गई मुनिया। अपनी अग्रवाल मेम साहब, उन्हें बड़ा तरस आ रहा था आप पे। कहती यही होता है जब आप हो जाओ ग्रीडी। बड़ी बैड है तू, मेरे घर की बात बार मत किया कर। कब थी मैं लालची? लो, आप ही चला था ना बनाने अपने डॉक्टर साहब का फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। मुनिया, तेरी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है। वो मैंने ना एक अंग्रेज के साथ काम किया था, वो मेरे से शादी करके ना मुझे दुबई ले जाना चाहता था। एंड नाउ दिस इटालियन बस एनजी है। चल चुप कर। हाय, इतनी गर्मी है, पता नहीं ये बिजली वाले भी कहां मर गए हैं। बेड़ा घर को इन बिजली आ रहा था। मम्मी जी, डबल पैसे दे दियो। कौन सी खुशी में? हाय, आई गेव यू सिंपैथी। सिंपैथी के ना पैसे रखते हैं, 10 रुपए फॉर सिंपैथी, 10 रुपए फॉर एडवाइस, टोटल हो गई जी 30 रुपीज। बड़ी चलाक है। कौन सी एडवाइस दी तूने मुझे? आई टेल यू, मैं कहनी हूँ अपने बेटे की ना दोबारा शादी करवा दो, आपके अमेरिकन बहू के तो पाँव यहाँ पड़ने नहीं। 30 रुपीज। हाय, मैं क्या जी, आपकी डॉटर ना बड़ी जल्दी उठती है, जस्ट इन टाइम फॉर लंच। मैं क्या जी, गडमार नहीं। मुनिया, मैं कोई पड़ोसी नहीं हूँ जो तुम मेरी चुगली करो। ये क्या हो गया तुझे, और तेरे बाल का है? और तू जा कर रही है फैंसी ड्रेस में? करण ने मुझे मदद के लिए बुलाया है रेस्टोरेंट, ताकि मैं घर में फालतू न बैठी रहूं। उसे क्या पता, करण तो वैसे ही कुछ नहीं जानता। मामी जी, आप अपने बेटे को नहीं जानती। बेबी जी, बेबी जी, भाई कमाल हो गया, तुम्हारी बेटी की शादी की एड के काफी सारे जवाब आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि दामाद बहुओं से अच्छे मिले। हेलो, ओ प्रीति, बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है? क्या? थैंक्स डैड। मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक घर में तीसरी शादी के लिए मम्मी जी। बकवास ना कर। टर्निंग ट्रेन, heart is burning. To watch more, log on to www.erosnow.com.